उत्तरकाशी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला चिन्याली सौड़ ब्लॉक कपराड़ा गांव का है, जहां पति और पत्नी के बीच आपसी विवाद में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के मायके पक्ष का कहना है कि मृतका के पति ने महिला को मायके से अपने घर बुलाया था, जिसके बाद महिला के साथ मारपीट की थी और इसी को लेकर महिला ने जहर गटक लिया और कुछ ही देर बाद महिला की मौत हो गई। और यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर आज जो हमारी वो बहन है यहाँ पर जी, तो ये कल जो है अपने मायके में थी उधर जी, तो वहाँ पर जो है इसका बलपति आया। हाँ जी, उसने अपने साथ लेके आया जी। तो कोई बच्चे भी कह रहे थे कि स्कूल के रास्ते में जो है इसने एक आध थप्पड़ उसको मारी जी। तो जब वहाँ से थप्पड़ मारी तो उसने यहाँ लाया, तो आधा एक दो घंटे बाद जो है पता लगा घर वालों को कि वो मर गई है। तो यहाँ पर आके जो है हम सब लोगों ने यहाँ पर सारे वहाँ से दो तीन गांव के लोग आए, भाई क्या स्थिति है कैसा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि उसने जहर खाया। अच्छा। तो जहर कोई खुशी का तो खाता नहीं, मुझे तो ये लगता है बिल्कुल। अगर जब इन्होंने उत्पीड़न किया उसको तो जहर उसने तभी खाया होगा। तो मुझे आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि फिर हम लोगों ने कल से जो है प्रशासन को भी फोन किया, उनको भी बुलाया, तो उन्होंने रात को बोला हम कोई कार्रवाई नहीं कर, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, हम दिन में कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने अभी अपनी जो भी उनकी सरकार उसमें कार्रवाई है वो तो उन्होंने कर दी, लेकिन ऐसे लोगों को जो है फांसी होनी चाहिए। हम मृतका के परिजनों ने महिला के पति पर जानबूझकर हत्या करने और मारपीट का आरोप लगाया है। हम कल शाम जो है पटारा जा रहे थे चूड़ाकर्म संस्कार में जी, और इसके बाद जो है हमें फोन हुआ घर से जी कि हमारा जवाई जो त्रिवन सिंह है और पिंकी देवी अभी मायके में थी, उसने पता किया कि आज घर में कोई नहीं है जी। और वो सीधा आया वहाँ और उसको उठाया और वो रास्ते में पीटा उसको, लड़कों ने बताया हमें जी। फिर हम वहाँ से आए, जब तक हम वहाँ से आए तो इसने अपने घर में लड़की ले आई और इसने अपने घर में उसकी माँ ने और उसने उस लड़की को मार दिया है, जिसके सबूत हमें घर में मिल रहे हैं। तो हमने फिर प्रशासन को सूचित किया, प्रशासन आए यहाँ पर रात को, प्रशासन के साथ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि हम रात में कुछ नहीं कर सकते, हम जो भी करेंगे दिन में करेंगे। तो ये बात हमारे समझ में भी नहीं आई कि अगर प्रशासन ऐसा है कि रात में चाहे 50 मीटर हो जाए चाहे 10 मीटर हो जाए तो प्रशासन देखेगा नहीं, प्रशासन देखेगा दिन में मात्र। तो अभी प्रशासन आए यहाँ पर जब दिन हुआ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो ऐसे लोग हैं जो किसी की हत्या करते हैं कुछ करते हैं, इन्हें तो सीधा फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। वहीं स्थानीय राजस्व पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा भर मामले की छानबीन में जुट गई। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। तो वहीं मृतका के परिजनों की पुलिस से मांग है कि आरोपी पति के जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।